की काला इतिहास का पन्ना मध्य प्रदेश में लिखने जाने वाला है। और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं दृढ़ संकल्पित हूँ कि मैं अपने देशों का त्याग करूंगी और सरकार को ये बताऊंगी कि तुम कितनी गूंगी और बैरी और अंधी सरकार हो कि तुम्हें हम इतने सारे अध्यापकों की पीड़ा दिखाई नहीं दे रही है। अभी भी मौका है, देश त्याग करने के बाद जो मध्य प्रदेश में तांडव होगा वो तुम्हें देखते बनेगा। शिवराज सिंह चौहान, देख रहे हो कि नारी शक्तियां यहाँ जो बैठी है इनके जो ये केश है ये तुम्हें कितनी बद्दुआएं देंगे। और जैसे कि जगह जगह से दिग्विजय सिंह चौहान जी कहते फिरते हैं कि अगर मध्य प्रदेश में हमारी सरकार अपनी सत्ता स्थापित के बीजेपी सरकार अब नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी बीजेपी सरकार, और इसके बाद हम लोग अपने केशों का अर्पण करेंगे। एक बात और बताना चाहूंगी कि मेरे फैसले के साथ मेरे पतिदेव ने और मेरे ससुर जी ने भी अपने केशों का त्याग किया है। तीन दिन से बुखार में तड़प रही है लेकिन ये सरकार ने ये जो स्थान है इसके लिए तीन दिन हमें परेशान किया। इस अनुमति के लिए, इस स्थान के लिए हमसे 1,44,000 रुपए का किराया लिया है जो कि ये सरकार अब की बार नहीं आनी चाहिए। भाइयों, जिन्होंने अपने हक के लिए और अपने अधिकार के लिए अपने केशों का त्याग करने जा रही हैं। भारत माता की, भारत माता की, शिक्षा विभाग लेके रहेंगे, शिक्षा विभाग लेके रहेंगे। भाइयों, मैं ये और कहना चाहूंगी कि यहाँ से आप जाओगे नहीं, हाय 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 हाय।
और बहनों, जैसा कि मैंने दृढ़ संकल्प लिया था कि मैं अपने केशों का त्याग करके अगर शिक्षा विभाग में संविधान 1994 के 13 शर्तों अनुसार हमें नहीं दिया जाता है तो 13 तारीख से भोपाल की सरजमी पर माननीय मुख्यमंत्री जी, कहना भी अब अच्छा नहीं लग रहा है, उनकी सरजमी पर आकर हम अपने केशों का त्याग करेंगे। और आज हमने अपने हाथ, अपने अधिकार की लड़ाई के लिए अपने केशों का त्याग किया है। आप सभी ने मुझे अपना भरपूर समर्थन दिया है, इसके लिए मैं आप सबकी तहे दिल से हमेशा शुक्रगुजार। दिलती जी तुम्हारी एक कुर्बानी, याद करेंगे हम। दिलती जी तुम्हारी एक कुर्बानी, याद करेंगे हम। साथियों, एक सरकारी प्रवक्ता के द्वारा एक इस तरीके का बयान आया है कि हमने जो ये कृत्य किया है, ये अमर्यादित कृत्य किया है। महिलाओं के लिए सशक्तिकरण की बात करती है मध्य प्रदेश शासन, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी हमारी महिला सशक्तिकरण की बार बार बात करते हैं और उनके एक प्रवक्ता के द्वारा ये बयान आता है कि महिलाओं ने अमर्यादित कृत्य कर दिया है। तो क्या आप सभी को लगता है कि हमने अमर्यादित कृत्य किया है? क्या करें हम? हमारा एक अध्यापक साथी, हमारी एक अध्यापक बहन सर्वे कराती है बार बार अपनी मांगों को मानने के लिए, और हर बार हर मंच से ये कहते हैं कि मैंने ही दिया है, मैं ही दूंगा। हम बताएंगे अब आपको कि आपको अब हम क्या देंगे। 2018 में हम बताएंगे आपसे कि अब आपकी सरकार का क्या हश्र होगा। हमारा प्रिंट मीडिया बताएगा कल आपको कि हमने अमर्यादित कृत्य किया है या आपने असंवेदनशीलता दिखाई है हमारे साथ में। साथियों, हमने आज वो सारे कर दिखाया है जो इतिहास के पहले काले पन्नों में लिखा जाएगा कि अगर नारी शक्ति अपनी हद पर आ जाती है तो शिव जब तांडव करते थे तो काली माता ने उनको अपने चरणों के नीचे लाके रखा था। तो हम तो कालियां हैं, हम तो शक्तियां हैं जो बता देंगे आपको कि हम क्या हैं और आपका क्या हश्र होगा। हमने अपने केशों का जो त्याग किया है, इन केशों को लेकर हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास तो नहीं जाएंगे, पर साधना सिंह के पास जरूर जाएंगे। तो चलेगा साथियों, हम तो इन केशों को हम इन डब्बों में रख लें, एक डब्बा पहुंचाएंगे कुरियर करके नरेंद्र मोदी जी तक। और जैसा कि हमें पता चल रहा है कि हमारे बीच में विदिशा में मोहन भागवत जी हैं, उन तक भी ये संदेश जाना चाहिए
कि आप लोग महिलाओं की बात करते हैं, दुर्गा की बात करते हैं, नारी शक्ति की बात करते हैं, और इस मध्य प्रदेश में ये इतिहास लिख दिया गया है कि महिलाओं ने अपने केशों का त्याग करके अपने अधिकारों को पाने के लिए, अपनी मांगों को लेने के लिए इस हद तक जाकर आपकी बीजेपी सरकार का तर्पण कर दिया है। हम इन केशों को लेकर जाएंगे, उसके बाद कल हम इस सरकार का पिंडदान भी करेंगे और हम सभी फेरापति हनुमान मंदिर में एकत्रित होंगे और वहां से हम ईश्वर को याद करते हुए इस सरकार को शांति प्रदान करेंगे और इसके बाद हम 15 तारीख से लेकर 21 तारीख तक अपने जिलों में जो चाहे वो अपने अपने जिलों में रात्रि कालीन धरने करें और मुंडन का कार्यक्रम जो है वो जिलों पर भी जारी रहना चाहिए, क्योंकि ये सरकार ये कह रही है कि हमें अपने बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं है, परीक्षा के समय हम सड़कों पर निकल कर आ रहे हैं, तो हम आपको बताएंगे रातों में धरने और प्रदर्शन क्या होते हैं और महिलाओं की ताकत क्या होती है। तो अब हमें इस सरकार से कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने जो कि महिलाओं का एक गहना होता है उसके केश, उसको हमने अर्पित करके इस सरकार का, इस बीजेपी सरकार का हमने तर्पण कर दिया है। तो आपको हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है, ऐसी कई हजारों बहनें आपके साथ खड़ी हैं, आपको बस अपनी बहनों का साथ देना है, अपनी हक की लड़ाई के लिए आगे आना है और 284,000 अध्यापक साथी जो हैं हमारे, उन्हें आकर अब जिलों में और ब्लॉकों में ये दिखाना होगा कि ये सरकार कैसी सरकार है। इसके साथ ही जो ये केश आपके बहुमूल्य कीमती केश है, जिन केशों की रक्षा ये सरकार शिवराज से चौहान नहीं कर सके, उन केशों को हम बतौर कर इन डब्बों में रख लें, एक डब्बा हम कोरियर करके नरेंद्र मोदी तक पहुंचाएंगे और एक डब्बे को लेकर हम साधना सिंह के पास चलेंगे, तो दो की लाइन बना लें हम सभी, क्योंकि प्रशासन जो है वो खड़ा हो चुका है उन पे डंडे बरसाने के लिए शायद, लेकिन हमें इनका सहयोग हमेशा मिला है और मुझे उम्मीद है कि ये हमें सहयोग प्रदान करेंगे। हम शांतिपूर्वक दो की लाइन बनाकर चले मुख्यमंत्री निवास की ओर और वहां पर इन केशों को साधना सिंह को हम लेकर आएंगे। बड़े शर्म की बात है, पुलिस हमारे साथ है, अंदर की बात है, की बात है, पुलिस प्रशासन ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है, पुलिस प्रशासन